हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे सूजी से एकदम हल्का फुल्का और हेल्दी नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे हाफ कप सूजी। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच दही। तो ये दही खट्टी नहीं है, अगर खट्टी दही हो तो 2 चम्मच ही डालें। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, तो नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। हाफ कप हम इसमें पानी डाल देंगे, तो जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हम इसमें पानी भी डालेंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने 3 प्लेट लिया है। इस प्लेट को हम तेल लगाकर चिकना कर लेंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। इसे हम इस तरीके से 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो मैंने इसे फेंट दिया है। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, मिला लेंगे इसे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। आप इसकी जगह पर 1/2 चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। इसे हम मिला लेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हम ज़्यादा फेंटेंगे नहीं, बस इसे हम मिला लेंगे। बैटर अब तैयार है। इस तरीके का बैटर हमें चाहिए। अगर बैटर गाढ़ा हो तो बेकिंग सोडा डालने से पहले ही आप इसमें पानी डालकर मिला सकते हैं। अब ये ग्रीस किया हुआ प्लेट लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देंगे। पूरा ऊपर तक हम इसमें नहीं डालेंगे। आधा प्लेट हम इसमें बैटर डालेंगे और अब हम इसे टैप कर लेंगे। तो इसे स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए डाल दिया है। पानी अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम इस तरीके का स्टैंड डाल देंगे। अगर स्टैंड ना हो तो इस तरीके का कटोरी आप इसके बीच में इस तरीके से डालकर और इसके ऊपर आप इस तरीके का प्लेट रखकर उसके ऊपर बैटर वाले प्लेट को डालकर स्टीम कर सकते हैं। और अगर स्टैंड हो तो इस तरीके से स्टैंड डाल दें और इसके ऊपर हम ये बैटर वाला प्लेट डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे। पहले हम इसे 2 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे, फिर इसका ढक्कन हम हटाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये देखने में अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब 7 मिनट हो चुके हैं, इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, चाकू एकदम क्लीन निकला है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे।
और इसे हम ठंडा होने देंगे। बाकी के जो बचे हुए बैटर थे उसे भी मैंने 2 प्लेट में निकाल लिया है। इसे भी हम स्टीम कर लेंगे। ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है, तो इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो इसे हम इस तरीके से किनारों में हल्के हल्के हाथों से इसे हम निकालेंगे इस तरीके से, और इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी के साथ, या फिर आप इसे सांभर के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे तो इसके लिए हम इसे सेलो फ्राई कर लेंगे। लेकिन ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे इसके लिए हम इसे थोड़ा सेक लेंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए यहाँ मैंने पैन गर्म होने के लिए डाल दिया है, और पैन को हम तेल से चिकना कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल हम इसमें नहीं डालेंगे। और अब हम इसमें ये जो बनाया हुआ नाश्ता है वो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, और जब ये थोड़ी देर सिक जाए फिर हम इसे पलट देंगे। और इसी तरीके से पलटते हुए हम इसे हल्का गोल्डन होने तक सेक लेंगे, बहुत ही ज़्यादा हम इसे नहीं सेकेंगे। ये दोनों तरफ से हल्का सिक चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के जो बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरीके से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो अब ये भी फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो आप भी इस हेल्दी सी रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।